एंड 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 गर्ल्स अंकल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू हद कम ऑन आज मेरे साथ आप तो घर पे हैं फिर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे होंगे लेकिन मेरे साथ यहाँ पे ढेरों की तादाद में आज लड़कियाँ आई हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनके कॉलेज से बिल्कुल उनकी छुट्टी नहीं करवाई कॉलेज से पढ़ी और यहाँ आ गई और मैंने इनसे एक बड़े मज़े की बात की कि हम बच्चे सुबह उठ के अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं क्लास में बैठते हैं माँ बाप से दूर और अक्सर हमारे माँ बाप बहुत सारे पैसे भी दे रहे होते हैं, फिर भी हम क्लास में टीचर की नहीं सुनते इवन तो हमने अपना टाइम लगाया पैसा लगाया इल्म हासिल करने के लिए लेकिन हम उनकी सुनते ही नहीं है इससे नुकसान टीचर का नहीं स्कूल का नहीं हमारा हो रहा होता है तो आज के शो को इनको मैंने बोला आप एक एंटरटेनिंग क्लास की तरह ट्रीट करें जहां पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और आप शायद बहुत कुछ सीख भी जाए लेकिन सीखना तो जो सीखना चाहता है उस पर डिपेंड करता है सिखाने वाले पर नहीं तो इसी बात के साथ शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को जो कि एक ऐसी खातून है जिन्होंने जब मॉडलिंग की तो वो सुपर मॉडल बन गई एक्टिंग की तो अपने हर रोल में जान डाल दी लोगों के दिलों में जगह बना ली क्या क्या ड्रामा में नजर आई औलाद खुदा और मोहब्बत थ्री और ऑफ कोर्स आपका फेवरेट बेबी बाजी आपकी भरपूर तालियों में जोशो जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा द वन ओनली सुनीता मार्शल सबसे पहले तो जब इतना प्यार मिलता है आपके आने से पहले भी ये लड़कियां कह रही थी सुनीता जी कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी हाउ डू यू डील विद सो मच लव बस इनका प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं वरना तो फिर मजा ही नहीं आता काम करने में दुबई में पैदा हुई फैमिली फैमिली मूव मूव हो गई पाकिस्तान आई फिर कराची में वक्त गुजारा उसके बाद करते कराते जिंदगी का एक सफर चला और लाहौर में आज हद कर दी मैं हमारे साथ ये सारी ट्रांजेक्शन कैसे हुई मुझे खुद को भी नहीं पता <laughs> बस होती गई और मैं भी करती गई दुबई की कोई यादें जो आज भी दिल में मैं, मैं तो तीन साल की थी जब वापस आ तो क्या तीन साल वाले भी बड़े तेज <laughs> आज कल कहना मुझे टाइम हो गया थोड़ा सा अच्छा, आपको टाइम हो गया माशाल्लाह मुझे ये बताएं इनमें से अगर कोई अवार्ड जीतना चाहे तीन दफा आप लक्ष्य के लिए नॉमिनेट हुई एक दफा आप हम भी बेस्ट फीमेल मॉडल का अवार्ड जीती है किस तरह कैसे जीत सकते हैं अवार्ड ये बच्चे बस वो अवार्ड जीतने के लिए ना काम करें अपनी मेहनत और लगन से काम करें वो जब लोग आपको पहचानेंगे उनका जब प्यार आपको मिलेगा तो वही आपका अवार्ड है सुनीता जी ये जवाब तो हर कोई देता है असल वाली बात है <laughs> असल बात तो यही है मुझे तो कभी भी क्रेज नहीं हुआ अवार्ड का नहीं फॉर यू इट इज द द लव लव ऑफ ऑफ पीपल ये जो आज गर्ल्स yes. यहाँ पे बैठी हैं इनका प्यार अगर लोग मुझे पहचानते हैं मैं कहीं जा रही होती हूँ मुझे हाई करते हैं तो वही मेरा अवार्ड है आप लोग एक अवार्ड हो बैठे जी, बैठे। ही होते हाँ। हैं बहुत सारे लोग जो है ना वो डर रहे होते हैं मिलने से वो दूर -दूर से वो दूर-दूर खड़े बात कर रहे रहे होते होते हैं हैं नाम बोल रहे होते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही होती कि पास आ जाए तो हम इतने लोग नहीं है ना जाने क्या सपने दिखाए बैठे। <laughs> देवी आपने ड्रामा किया उसमें आपके हस्बैंड हसन भाई थे जी

कि कभी कभार ना बेध्यानी में जैसे वो कट हो गया उसको पता ही नहीं चला कट हो गया तो उसने आया और मुझे धक्का दे दिया और मैं कह रही हूँ ये क्या हुआ है क्या हुआ है ये तो उसने कहा वो अच्छा मुझे पता ही नहीं चला कि कट हो गया अच्छा वो कैरेक्टर से ही नहीं निकल रहे करेक्टर से ही नहीं निकले तो बस आ, आपने ये नहीं कहा कि अब घर पे मेरा कैरेक्टर ये <coughs> वाला है नहीं नहीं शुक्र ऐसा नहीं हुआ हम लोग ने जब पहली दफ़ा किया था ड्रामा एक साथ तो हम लोग एक दूसरे को देख के जरा हंसते थे वो शाइनस थी एक

बिकॉज इट्स वेरी लेकिन जो हमारे ड्रामे हैं ना हाँ। वो uh, उसमें थोड़ा सा पन ज़्यादा होता है बिल्कुल तो हम नॉर्मल लाइफ में उस तरह से रोमांटिक नहीं होते हैं या उस तरह से रोमांस नहीं करते जिस तरह से ड्रामों में दिखाया जाता है क्योंकि उसके अंदर uh, अल्फाज शायद इतनी वो सख्त उर्दू यूज़ होती है कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज़ करते मतलब तो, बहुत ज़्यादा ड्रामो में तो शेर वी अब घर पर थोड़ी इस तरह होता है तमन्ना <laughs> दुबार निकल तेरी शायरी का शौक होगा शायद वो लोग इस तरह से करते भी हों लेकिन शायद हम नहीं करते थे हाँ। तो इसलिए हमें एक है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन उसमें हम साथ नहीं है लाइक वे नॉट ऑपोजिट इच अदर अलग अलग कैरेक्टर है सेम बट सेम यस पूछना चाहूंगा एक दफ़ा थर्टी फाइव डेज के लिए हसन भाई किडनैप हो गए थे हाँ और किडनैपर से आपकी बात चल रही थी क्या हुआ था जब वो आई थिंक मैंने सुना है जब आप लोग कोई डील करने गए थे तो वहाँ फायरिंग भी हो गई थी जी ये एक्चुअली कितने साल हो गए हैं इसको ग्यारह साल हो गए ग्यारह तो भी बड़े हो गए होंगे ग्यारह साल पुरानी बात है जी बिल्कुल ही वॉज आई थिंक एट द रोंग टाइम एट द रोंग प्लेस वो बस ही वॉज अनलकी दे पिक्ट आप और ऑब्वियसली रैनसम के लिए ही था टारगेटेड नहीं था आ, पैसे उन्होंने मांगे नगोशियट हम कर रहे थे सी पी एल सी वालों ने बहुत मदद की हमारी तो आई वॉज डूइंग एग्जैक्टली वॉट देवर सिंह बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक था खैर खैरियत से वापस आ गए पैसे उनको नहीं दिए सी पी एल सी इन्वॉल्व थी बीच में सो वी गॉट द मनी बैग हाँ बिल्कुल और यस वो एक आ, हुआ था रैनसम एक्सचेंज के टाइम पे फायरिंग

लग रहा है कि प्यार इंक्रीज नहीं हो रहा ये ना लड़कियां खुद ही अगवा करा दें दो को महीने चुको वापस <laughs> आएगा तेन समझ लगेगी मेरी वैल्यू था तो जोक्स अपार्ट पार्ट बट दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस मैटर अबरारुल हक साहब को जानते हैं आप सब एक कदीमी नाम है प्रीतो उनका गाना आया था प्रीतो मेरे न्याह कर ले याद है आपको उसमें आप थी गाने में

फिर वो कॉले करता था मैं लाइनें काटती थी फिर वो कभी कभार पीछा भी करता था फिर एक दफा उसका फोन आया कि अच्छा इच्छा? हाँ <laughs> <laughs> हसन ने तुम्हें अभी घर ड्रॉप किया है ना तो वो ना इस तरह की बातें बेला जी सॉरी करें <laughs> <laughs> सॉरी करें <laughs> तो <खेरें। laughs> तो फिर हाउ डिड यू हाउ डिड यू एंड अप सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम हिम हाँ मैं बीच में काफ़ी डर गई थी जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया और हमारी इंडस्ट्री में उस वक्त फ़ोन चेंज करना एक बड़ा हैसल होता है था कोर्स क्योंकि वो काम वर्क हाँ, हाँ, तो वो फिर मैंने चेंज किया जिस दिन मैंने चेंज किया उसके तीन घंटे के, के बाद हेलो उसकी हाँ, कॉल आ गई कि नंबर चेंज कर लिया खैर आई डोंट नो हु वॉज जब शादी हुई तो सब खत्म हो गया देन दे वॉज अ पर्सन जो बहुत कॉल्स करता था कि पता नहीं वो मेरे बॉस हैं उन्होंने एक बुके भिजवाना है और मैं मेरी नौकरी का सवाल है आप प्लीज़ ये बुके ले लें तो मैंने तंग आके एक दिन हसन को फ़ोन पकड़ा दिया मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन मुझे बहुत तंग कर रहा तुम बात करो खैर उसने बड़े तमीज़ से हसन से बात की उसने कहा मेरी नौकरी का सवाल है प्लीज़ आप एक बुकें वो तो उस टाइम पे हसन एक एडवरटाइजिंग एजेंसी में काम करते थे तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ये एड्रेस है आप इधर भेज दें hmm. तो वो जो बुके था वो एक सुजुकी में आया वो एक लंबी सी उसके अंदर स्टेम थी और उसके साथ बहुत सारे रोजेस के बुकेस अटैच हुए हुए थे तो वो एक बुके था सात फुट टॉल सात फुट का हाँ तो मैं तो थी नहीं मैं आई वॉज ट्रैवलिंग

बहरहाल वो भी हसन भाई वो भी तो नहीं लेने चले <laughs> तो तो गए नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सुनीता जी होता इस तरह लोग आपको एक्टिंग करता देखते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं आपके कैरेक्टर से फिर आप लोग टीवी शोज पे जाते हैं लोग कनेक्ट करते हैं आपसे एज एज अ अ पर्सन बिकॉज दे गेट टू योर थॉट्स आर आप इंसान कौन है इसीलिए ये टीवी शोज चलते हैं लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इसीलिए ये पेजेज पपराजी टाइप चीजें चलती हैं तो ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जब सुनीता मार्शल का फेवरेट गाना लगता है तो सुनीता उस पर किस तरह वाइप करती है वो उसको किस तरह इंजॉय करती है तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट का नाम होता है लिपसिंग बैटल प्रीतो ए, कबीर सिंह में भी प्रीति थी ना <laughs> प्रीतो मेरे व्याह कर लेगी तो समझ लगी वो आठ साल वाली क्या बात कर रहा होता कि साल, हो कि साल हो पता नहीं वन वे अफेयर नो पंजाबी में था ना तो समझ में नहीं आई तो इसमें वो कहता है कि आठ साल हो गए हमारे वन वे अफेयर को आपके हिसाब से मोहब्बत दो तरफा होती है या वन वे है दो तरफा मोहब्बत दो तरफ नहीं है नहीं तो ये लिरिक्स का इशू है इसमें वो तो अपनी बात बता रहे हैं ना कि उन्होंने वन वे की ना आठ साल वन वे करनी चाहिए मोहब्बत करनी तो नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने कर ली बेचारे थोड़े ये तो इधर तो पाकिस्तान में सड़क नहीं बांध साल तक रहती अगले <laughs> आठ साल बाद में मोहब्बत कर ली तो देखिए ना गानों के अंदर से भी मैसेज पिक करना अपने गर्ल्स एवरीथिंग इज अबाउट नॉलेज ठीक है तो हम दूसरे गाने की तरफ चलते है कौन सा है? ये ये जो दो तीन बच्चों ने कहा इनको नहीं पता इनको बताएं नाजिया जी के बारे में नाजिया जी के बारे में आप लोग ने अगर नहीं पता है और नहीं सुना है उनके बारे में तो ये बहुत गलत बात है आज ही जाके गूगल पे या youtube पे उनके गाने सुने आप लोग फैन हो जाएंगे क्या बात है उनके लिए तालियां बात आगे करते हैं फिजा अली आपको पता है जी जी हमारे शो में आई थी अच्छा तो, देखिए चीजें तो होती रहती हैं इंडस्ट्री में प्यार भी होता है मोहब्बत भी होती है लोग एक दूसरे के बारे में क्रिटिकल भी होते हैं तो उन्होंने आपके बारे में कुछ हमें बातें की अच्छा। तो हम वो प्ले करना चाहते हैं आपको दिखाना चाहते हैं तो और सुनीता मार्शुल इतनी खूबसूरत थी उसका ऑल थोड़ा सा सावला रंग था मगर वो जब ब्राइडल मेकअप के लिए किसी दुल्हन के जोड़े के लिए तैयार होती थी तो हम उसके आगे खड़े नहीं हो पाते थे वो रैंप ले जाती थी वो तुन रैम उड़े कैमरा उससे मूवी नहीं होता था पूरा फैशन शो की रील देख लो वो सुनीता पे अटका होता था सुनीता पे तो जो मेकअप और कपड़े और आए है क्योंकि उसकी चीख जरा बड़े बड़े ऐसे गोल गोल थे तो वो बबली फेस के साथ तो उसका हुसुम चीखता था नहीं ऐसे भी नहीं होते थे बट शी वॉज प्रत लुक उन्होंने कहा जो लुक एंड फील जो रैम्प वॉक पे और सुनीता मार्शल का था वो किसी का भी नहीं था हमने That's तो नहीं very, देखा I mean, लेकिन I'm ये, very ये क्या बात है ये क्या बात ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फिजा

बच्चे जो ग्रोइंग एज है आजकल उनके साथ स्कूल्स में क्या हो रहा है माँ बाप उनके ऊपर तोज्जा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छा जो लेसन था जो मुझे लगा कि मैंने उससे सीखा वो ये था कि कभी भी बहन भाइयों को या भाई भाई को सिबलिंग्स को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए एक बच्चा अगर ज़्यादा स्मार्ट है और दूसरा बच्चा कम स्मार्ट है अगर आपने उन दोनों को कंपेयर कर दिया तो जो बच्चा कम स्मार्ट है ना वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा बिल्कुल और आप अनकॉन्शियसली ये चीज़ कर जाते हैं तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी उस वक्त मैं जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि यार अनकॉन्शियसली मैं भी ये चीज़ें कर रही हूँ और फिर मुझे उससे लगा कि नहीं मैंने अपने आप को चेंज करना था

से ये क्वेश्चन है आपको इस फिल्म में कोई ऐसा रूट कमेंट सुनने को मिला हो आपके लिए कोई कमेंट सुनने को हाँ, इस रूट कमेंट अपने बारे बहुत, में कुछ बहुत, अच्छा झूठे ये अभी आ, उनका शो हुआ था फहाद मुस्तफ़ा का जो मैच के दरमियान चल रहा था उन्होंने उनके सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने से सवाल पूछा कि आप किसको एडवाइस करेंगी कि वो एक्टिंग छोड़ दें तो उन्होंने कोई पांच नाम लिए

आपको गलत समझेंगे करेंगे, बट ये टैक्स है ना मुल्क में रहने का टैक्स देते हो रोड टैक्स देते हो गाड़ी का टैक्स देते हो ये पब्लिक फिगर होने का टैक्स है ये तो आपको मिलेगी, जो सीधी बात है. है? क्या नाम है? My name is हमारे शो में भी बुशरा अंसारी जी आई थी पिछले दिनों <laughs> बहुत मजे का शो रहा आपका कोई लिंक है उनसे नाम के अलावा बुशरा का क्या मतलब है खुशखबरी खुशखबरी मैं आपके लिए बुशरा लाया अक्सर लोग अक्सर लोग दो बेटियों के बाद तीसरी बेटी का नाम भी बुशरा रखते हैं ताकि भाई आए उसके बाद ऐसा हुआ मेरा क्वेश्चन मैम से है अच्छा। आप उनके क्वेश्चन का तो जवाब दे दो कोई बात नहीं, हाँ, नहीं नहीं आप चलो आप पूछ लो आपके जो बच्चे हैं वो आपकी एक्टिंग के ज्यादा लाइक हैं या आपके हस्बैंड की फैन फैन मेरे बच्चे तो खैर ड्रामे नहीं देखते उनको कोई शौक नहीं है ड्रामा देखने का जब वो बहुत छोटा था मेरा बेटा तो उस वक्त चलते फिरते उसने मेरा एक ड्रामा था आ, नेमत आ, ए आर वाई पर चला था उसका एक सीन देख लिया जिसके अंदर मैं रो रही थी तो वो भी रोना शुरू हो गया तो उसके बाद से तो मैंने उसको बिल्कुल ही नहीं दिखाया अपने ड्रामे तो उनको पता ही नहीं है कि हम कैसे आए पता चले वो किस दिन गुजर है हंसने का सीन है वो भी हंसना शुरू हो गया थोड़े बहुत शायद YouTube शॉर्ट्स में वो बेबी बाजी के बहुत क्लिप्स चलते थे उसमें से शायद कोई देख लिया उन्होंने

क्या करती हैं आप मैं पढ़ती क्या पढ़ती, क्या क्या पढ़ती पढ़ है, पढ़ है। मैं अच्छा मुझे लगा कि को मेरे पिछले दोनों दोस्त को किसी ने पूछा कहता हूँ। <laughs> <laughs> अच्छा सवाल पूछे

विच इज़ एग्जैक्टली ऑबियसली इट्स अनफॉर्चुनेट लेकिन आई थिंक एक बुरे रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप अलग ही हो जाएं. लेकिन शादी से पहले आपको नहीं पता होता कि आप क्यों उस बंदे से या बंदी से बनेगी नहीं बनेगी या हमारे हाथ आगे कोई प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन सिर्फ ये सोच के एक बुरे रिलेशनशिप में रहना कि हाय मेरे माँ बाप का क्या होगा या बच्चों का क्या होगा तो उस बारे में अपना ना सोचना ये भी गलत है न तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा अगर हो सकता है इसने अपनी नहीं तो ये हो सकता है इसने रिश्ते कराने का काम स्टार्ट कर दिया उसके लिए भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बहुत देर से इनके जेहन में ये बात आ रही थी वो वेट कर रहे थे मेरा जुमला खत्म हो तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ पूछे सवाल

पूछे सवाल आप मैम आपसे एक क्वेश्चन है कि किसी भी इंसान को सुपर मॉडल बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अच्छा हमारे यहाँ जरा मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडल्स होती है ना एक होती है रैंप की एक होती हैं जो सिर्फ कपड़ों के लिए करती हैं एक होती हैं जो सिर्फ कमर्शियल्स करती हैं oh. मेरे ख्याल से जो जो एक्चुअल मॉडल्स होती है ना वो होती हैं रैम की oh. जो रैम मॉडल्स हैं वो मॉडल्स model, हैं

एटीट्यूड ये मतलब नहीं है कि आप गलत एटीट्यूड शो करें एक रैम पे एक लुक होती है ना वो एक सीरियस लुक वो आपको आनी चाहिए प्रॉपर वॉक करना आना चाहिए और तमीज़ होनी चाहिए मतलब आप लोगों के जहन में एक चीज़ बैठी हुई ना मॉडल है बदतमीज़ होगी गालियाँ देगी ऐसा कुछ नहीं है मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों ये बातें बनाई हुई हैं ऐसा कुछ नहीं होता हम लोग तो नॉर्मल बैठ के वहाँ आते कभी फील हुआ कि लोग आपसे डर रहे हैं आपके आपसे बात करने से डर रहे हैं। लोग मुझसे क्यों डरते थे? जब मैं नई नई आई थी मैं शायद बहुत खामोश रहती थी रिजर्व oh. uh, uh, मेरा नेचर है ना तो लोगों को लगता था ये पता नहीं बहुत गुस्से वाली है क्या है तो इसलिए शायद डरते थे नहीं बात करते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार मुलाकात हुई सबसे बातचीत करना शुरू की फिर उनको पता चला कि अच्छा ये जरा खामोश तबीयत है ये वैसे है नहीं ऐसी ये बातें ही बनी है हाँ ये बस बातें ही हैं ऐसी तो लेकिन आज भी हमने क्लियर कर दी अपने शो के थ्रू हाँ। कि आप प्लीज बात करें बड़ी फ्रेंडली हैं ये। हाँ। इन्होंने पीछे डांटा थोड़ा सा तो बिल्कुल फ्रेंडली है असलम वाईकमल आई एम फिजा मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मॉर्निंग रैम में वॉक के करने के टाइम पर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसे याद करके आपको रोना डर लगता हो या हंसी आती हो डर तो नहीं हंसी आती है एक दफ़ा ना हमारा शिकागो में एक शो हो रहा था तो उसमें रैम पे मैं चली गई अब जब मैं वापस आ रही थी तो रैम के ऑलमोस्ट एंड पे जैसे ये है ना दो एक साथ जुड़े हुए हैं तो इस, इसके अंदर ना थोड़ा सा गैप ज़्यादा था

कि जुल्फे नाक लब पेशानी सब ही खूब हैं लेकिन जुल्फे नाक लब पेशानी सब ही खूब हैं लेकिन उसके हुस्न में इजाफा करती है जो चीज़ आंखें आँखें क्या बात है थैंक यू एक पॉपकॉर्न दे दे एक एक वाला छोटा देखिएगा क्या, तो क्या लगा रहा है ले <laughs> <था>। <laughs> अब आपके लिए गाना अच्छा

भाभी के लिए मैंने लिखी थी अपनी बेगम के लिए हाँ, हाँ। शादी से पहले एक लिखी थी बताए सुनाए नहीं मैं उनके लिए एक गाना गाता आप एक... तो भाभी आपकी तो वाइफ है <laughs> मैं उनके लिए एक, अक्सर एक गाना सुनाता होता हूँ भाभी <laughs> ये आपके लिए स्पेशल नेशनल टेलीविजन पे तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, क्या? Okay. क्या? अपने भाभी को कहा अगर आपने ज्यादा टाइम इस तरह लड़कियों के शो पे गुजारा तो भाभी ने कह रहा है कार पे चितर रखा है <laughs> <laughs> तो चले बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको और भाभी को बहुत खुश रखे है? नहीं नहीं yes. नहीं अब बस भाभी की बात हो गई है आप इधर चले बोल दे थैंक यू भाभी को सॉरी बोले सॉरी चले ठीक है तालियां इनके लिए सुनीता जी के साथ जो मजे मजे की बातें हो रही हैं वो चलती रहेंगी लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक इस तरह जा कर इस तरह जाकर आपने कहीं नहीं जाना कर दी विद वेलकम बैक देख सकते हैं सुनीता जी पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही हैं और उम्मीद करता हूं आप शो एंजॉय कर रही हैं चलते हमारे है अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मूड स्विंग्स मैं कोई डायलॉग यहां पे पढ़ूंगा और आपको उसको एक सर्टेन इमोशन में बोल के दिखाना लेडीज एंड जेंटलमैन

अगर कर सके तो पायलट की आज पहली फ्लाइट है प्लीज कोई अपनी सीट से ना उठे वरना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी शादी बहुत बहुत मुबारक हो काश तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो मुस्कुराते रहो प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता रोते हुए अच्छा ये कैम टू आपका ये कैमरा शादी बहुत बहुत मुबारक हो काश तुम दोनों ऐसे ही खुश मुस्कुराते रहो प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता लास्ट मैं जानती हूं अभी दस मिनट पहले हम मिले लेकिन सच्चा प्यार हो गया तुमसे चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं दूर जाकर कहीं पहाड़ों पे रहेंगे जहां हमें कोई ना ढूंढ सके या फुल साइको लड़कियाँ हंसते हुए कैंप <laughs> टू में <laughs> <laughs> मैं जानती हूं हम, हम अभी दस मिनट पहले ही मिले लेकिन सच्चा प्यार हो गया तुमसे क्या करूं आ, चलो जल्दी से ना शादी कर लेते हैं दूर जाकर कहीं पहाड़ों में रहेंगे ताकि हमें कोई ढूंढ ना पाए है ना आलिया वेरी नाइस वेरी नाइस मतलब फ्रॉम बीइंग अ मॉडल व्हेन डिड यू कम अक्रॉस द फैक्ट के यू हैव गॉट सच अमेजिंग एक्टिंग एक्टिंग तो बड़ी फिट की है नहीं <laughs> <मजा> नहीं <ने> आया <laughs> <laughs> मैं तो ऑनेस्टली डबल इंप्रेस हो गया <laughs> एक्टिंग का मेरा कोई इरादा तो था नहीं मॉडलिंग uh, जब कर रही थी तो फिर मुझे ऑफर्स बहुत आती थी एक्चुअली फिल्म्स की बहुत ऑफर अच्छा। आती थी फिल्म्स का तो मुझे बिल्कुल ही वो नहीं था तो मैंने तो जो भी आती थी ऑफिस में उनको मना कर देती थी फिर ड्रामों में मुझे सुल्ताना आपा ने हम टीवी से सुल्ताना आपा ने एक दिन कहा कि बस मेरा एक ड्रामा है वो तुमने करना ही करना है और उस टाइम पे हम टीवी नया नया स्टार्ट हो रहा था और उनका समझें जो पहला क्वार्टर था ना उसका एक ड्रामा था और उन्होंने कहा नहीं तुमने करना है करना है मैंने कहा चलो फिर एक चांस ले ही लेती हूँ तो वो जब मैंने किया वो बहुत हिट हुआ मलिका ड्रामा पता नहीं आप लोग को इन लोग ने नहीं देखा होगा मलिका देखा है किसी ने नहीं आज नहीं। देख लेंगे जाके। हाँ या, या, पैदा भी नहीं हुई होंगी उस टाइम नहीं टू थाउजेंड की पैदाइश है यहाँ पर किसी की उसके बाद की है? की है? अच्छा इतनी छोटी है इनको आने किसने दिया है

इसी के साथ मैं अपने बड़े प्यारे अगले सेगमेंट पे चलता हूँ तोले बगैर बोलो जिसमें मैं आपसे पूछूंगा सवाल आपको देने होंगे जल्दी जल्दी उनके, उनके जवाब किस एक्टर के साथ हीरोइन आने का मौका कभी जाने, नहीं देंगी। कभी जाने नहीं नहीं देंगी। आ, बहुत सारे है हमारे पाकिस्तानी की कुछ बात भी हो सकता है पाकिस्तानी इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड टॉलीवुड फवाद खान Uh, सलमान खान इन तीनों में से किसी एक को चूज अगर करना हो एक टाइम स्क्रिप्ट आ गई है सलमान खान uh, uh, फवाद खान, uh, uh, सलमान खान दबंग 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 हुड हुड ठीक है सास बहू वाले ड्रामा से बेहतर कुछ नहीं लोग जो मर्जी कहें हाँ हाँ मेरा ख्याल है लोग क्योंकि वो ना कंपेयर बहुत करते हैं क्योंकि अभी जैसे बेबी बाजी था तो लोग बहुत रिलेट कर रहे थे उस ड्रामे में लोग अपने आप को तो इसलिए हाँ okay. लंबी लंबी गप्पे सुननी हो तो किसके पास जाना चाहेंगी ऑप्शन से एक चूज तीन नाम दे, ना, दे दू हाँ। आपको या फिर इकरा कंवल कौन है इकरा अजीज इकरा कवल भी एक है यूट्यूबर नहीं है अच्छा आप लोग देखते ना उनके ब्लॉग्स क्या आदमी है उनके साथ है आपकी दोस्ती कोई

हॉलीवुड के किसी एक एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो किसके साथ करेंगी जॉर्ज क्लूनी क्लोडिंग को पाकिस्तान का कहते हैं वैसे कहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान के, के जॉर्ज है इन अल्फाज को सुनकर कौन सा सेलिब्रिटी जहन में आता है एवरग्रीन फैसल कुरैशी फैसल कुरैशी परफेक्शनिस्ट चलाक एसन खान इंडिया में मॉडलिंग भी आपने की एक्टिंग का कभी रादा नहीं बना uh, वो मॉडलिंग हमारे पाकिस्तानी शोज थे जब बहुत प्रॉब्लम्स uh, चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की तो एक शो uh, ऑर्गेनाइज़ हुआ समझौ समझौता के नाम से जहाँ से तीन पाकिस्तान की मॉडल्स तीन पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स uh, इंडिया गए दिल्ली और वहाँ पर बाकी उनकी सारी मॉडल्स और डिज़ाइनर्स थे तो वो एक uh, दोस्ती का एक वो था एक्टिंग का कभी नहीं सोचा मौका नहीं, मिला तो करेंगी नहीं ऑफ़र आएगी तो क्यों नहीं मायरा को ऑफर आई तो उन्होंने कर ली ना फवाद को ऑफर आई उन्होंने कर ली मुझे भी कोई अच्छी ऑफर आएगी तो कर लूंगी वेरी गुड तो एक सवाल पूछ लूँ अगर आपको मुल्क का वजी आजम बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सी तीन चीजें जो आप मुल्क में बदलेंगी बदलूंगी बदलेंगी सबसे पहले तो एजुकेशन पे बहुत जोर डालूंगी नंबर बहुत सबसे ज्यादा उसके बाद आ, उसके बाद फिर सोचूंगी क्या करना है सोचेंगी सोची पे आते पुलेशन, पुलेशन कम करने की करवाएंगे तो तो गवर्नमेंट बहुत अरसे कोशिश कर रही है हमारा जो मुल्क है ना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट लेकिन कहना पड़ेगा डंडे के जोर पे चलेगा तो थोड़ा सा डंडे मारेंगी आप अगर जरूरत पड़ी तो हां बड़ी सख्त लीडर होंगी आप हाँ प्यारी सी बात में हम शो एंड करते हैं हमेशा आप कोई प्यारी सी बात कर दें इनके साथ प्यारी सी बात यही है कि अभी सब बहुत यंग है आगे फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें और दिल लगा के पढ़ें क्योंकि जितनी मर्जी आप जो भी पढ़ाई करेंगे ना वो आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी अभी आप लोग को लग रहा होगा कि यार मैंने तो अभी मेरी शादी हो जानी अगले है अगले महीने मैंने क्या करना है पढ़ के नहीं आगे बहुत काम आती है हर जिंदगी के स्टेज पर आपको आपकी पढ़ाई काम आएगी तो ज़रूर दिल लगा के इतनी प्यारी बात इन्होंने की कि इन्होंने कितनी प्यारी बात की कि दिल लगा के पढ़ें क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी के हर मरहले पे काम आएगी नॉलेज इज पावर इंडियर तो अपना नॉलेज इंक्रीज करें बाकी दुनिया में हंसते गिलते हैं क्या पता कल होना हो इसी के साथ मिलेंगे आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना आई लव यू